हाय फ्रेंड, आज हम और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक डिजाइनिंग टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में। कई बार क्या होता है कि दोस्तों, हम अपना वीडियो तो एडिट कर लेते हैं, लेकिन हम जिस भी सॉफ्टवेयर का वीडियो एडिट करने के लिए यूज करते हैं, उसमें ज़्यादा डिजाइनिंग टेक्स्ट नहीं होता है, जिस वजह से जो कि हम लोग का जो कि टेक्स्ट अच्छे से नहीं बन पाता है। इसीलिए हम ऐसी साइट बताने वाले हैं जिसमें आप बहुत ही बढ़िया डिजाइनिंग टेक्स्ट बना सकते हैं, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में, और वो बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं और ऑनलाइन। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में चले जाना है और आपको उस पर टाइप करना है www.helmingtex.in के साइट पर चले जाना है। जो आपको पहला वाला लिंक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उसी से भी आप इस साइट पर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं हेलमिंग टेक्स का जो साइट है ये ओपन हो चुका है। जस्ट अब इसमें आपको बहुत सारा टेक्स मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा टेक्स जो कि है अवेलेबल है। तो चलिए फर्स्ट हम कुछ टाइप कर लेते हैं। हम अपने चैनल का नाम ही टाइप कर लेते हैं, टेक्निकल रो बावन। हम अपने चैनल का नाम टाइप कर लिया और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। देख सकते हैं आपके सामने काफी सारा टेक्स्ट जो कि खुल के आ चुका है। आपको इसी में से किसी को सिलेक्ट करना है, आप चाहे तो नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। चलिए हम ये वाला टेक्स्ट जो कि है सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर सिंपली क्लिक कीजिए। इसके बाद देख सकते हैं इसी टाइप का जो टेक्स है वो खुल के आ चुका है। देख सकते हैं इसी टाइप का सारा टेक्स आ चुका है। चलिए हम इसमें से किसी दूसरे को सिलेक्ट करते हैं और इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं अब इसमें आप एडिट कर सकते हैं। इसे एडिट कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसके साइज को जो कि है बढ़ा लेते हैं। देख सकते हैं इसका साइज जो कि है बढ़ चुका है। अब हम इसमें जो टेक्स्ट है उसको भी एडिट कर सकते हैं। देख सकते हैं न्यू है, पॉपुलर है, कूल है, 3D है। तो हमें 3D में कुछ टेक्स्ट काफ़ी सारा टेक्स्ट है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। चलिए मैं इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुका है। अब हम कुछ और इसमें एडिट करेंगे। अब हमें इसके बैकग्राउंड में कुछ चाहिए तो इसको रख सकते हैं, अदरवाइज हम बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हैं। हम सिंपल इस पर ट्रांसपेरेंट जो ऑफ है इसको हम ऑन कर देंगे। देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड जो कि है रिमूव हो चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। हमें और कुछ एडिट नहीं करना है, जस्ट हमें इसको डाउनलोड करना है। देख सकते हैं GIF फॉर्मेट में ये डाउनलोड होगा। तो चलिए हम इसको सिंपल इस पर क्लिक कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, जस्ट आपको थोड़ा कुछ सेकंड वेट कर लेना है। बाय लोगो आ रहा है, एडिट लोगो आ रहा है, डाउनलोड आ रहा है, सेव टू अकाउंट आ रहा है। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। आप अगर चाहते हैं फिर भी कुछ छोटा मोटा एडिट करना तो आप डायरेक्ट एडिट लोगो पर क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हैं। हम इसे डाउनलोड फोल्डर में सेव कर लेते हैं। तो चलिए हम जो डाउनलोड किए टेक्स्ट को उसको हम देख लेते हैं। हम डाउनलोड फोल्डर ओपन करके देख लेते हैं मेरा जो टेक्स्ट है वो कैसे बना है। हम कंप्यूटर डाउनलोड फोल्डर को ओपन करेंगे। देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्स्ट जो किया बना है। दोस्तों ये तो ही इंग्लिश में कि हम टेक्स्ट कैसे बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि हिंदी में टेक्स्ट किस तरह बनाए जाते हैं। तो
मेरा जो कि कीबोर्ड से तो हिंदी टाइपिंग नहीं होती है, तो हम एक साइट का यूज करेंगे हिंदी टाइपिंग के लिए। आपकी कीबोर्ड से अगर हिंदी टाइपिंग नहीं होती है तो आप भी इस साइट का यूज कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया साइट है जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जस्ट आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और इस वाला साइट पर आ जाना है। इसमें काफ़ी सारा लैंग्वेज है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगू, नेपाली। आप अपना हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम इसमें भी कुछ टाइप कर लेते हैं। तो इसमें हम हिंदी में टाइप करेंगे, वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में टाइप करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। हिंदी हिंदी देख सकते हैं, इंग्लिश टाइप के ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो गया इंग्लिश। इंग्लिश डिजाइन DESIGNING डिजाइनिंग टेक्स्ट ये देख सकते हैं, हमने हिंदी टाइप इंग्लिश टाइप किए, ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो गए। अब दैट इज हम सिंपली कॉपी करेंगे Ctrl+C और उधर जाके पेस्ट करेंगे, जाके सिंपली Ctrl+V कर देते हैं पेस्ट और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सारा टेक्स्ट जो कि है खुल के आ चुकी है। अब इन्हीं में से किसी एक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिंपल इस पर क्लिक किए। अब इसी टाइप का कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि हम रेड वाले पर क्लिक करते हैं। देख सकते हैं तो पूरा नाम जो कि खुल के नहीं आया। सिंपली क्या करना है, इसको पूरा डिलीट कर देना है और फिर से उसी साइट पर आ जाना है, फिर Ctrl+C करके कॉपी कर लेना है और फिर जाके इधर पेस्ट कर देना है Ctrl+V। टेक्स्ट जो कि है बहुत ही लंबा हो गया, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। सिंपली इस पर जाएंगे और बैक स्पेस क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देख सकते हैं टेक्स्ट जो कि बिल्कुल लंबा नहीं हुआ, बहुत ही बढ़िया बन चुका है। अब इसको टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसका फ्रॉन्ट जो कि है चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम 3D में ले सकते हैं। काफ़ी सारा फ्रॉन्ट इसमें अवेलेबल है, तो 3D में देख लेते हैं कौन सा वाला। के बैकग्राउंड जाते हैं, बैकग्राउंड को हम कलर भी कोई ले सकते हैं, कोई दूसरा पैटर्न भी ले सकते हैं। देख सकते हैं इस टाइप से आपका टेक्स्ट जो कि है दिखने लगेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब अपने हिसाब से बैकग्राउंड चूज कर लीजिए, काफ़ी सारा बैकग्राउंड अवेलेबल है। और हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो हम डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट पर सिंपली क्लिक कर देंगे और हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, तो हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ये देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, हम सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रहेगी इसमें तो आप इसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, एडिट लोगों पर जाकर। हम इसको एडिट नहीं करेंगे, हम सिंपली इसको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमें डाउनलोड फोल्डर पर डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड हो चुका दोस्तों। अब हम सिंपली डाउनलोड फोल्डर को ओपन करके हम देख लेते हैं हमारे जो कि टैक्स है वो किस प्रकार बना है। सिंपली हम डाउनलोड पर जाएंगे, ये देख सकते हैं मेरा जो कि टैक्स है कितना बढ़िया बना है। ये देख सकते हैं पूरा बैकग्राउंड रिमूव है। अब हम इसका यूज किसी भी वीडियो में, फोटो में, थंबनेल में कर सकते हैं। Thank you guys, thank you for watching the video. Keep it low and talk about my come up. Cause I've been going hard every summer. Pussy wanna talk about numbers. But you manage to buy them, swipe, show, so bummy, ain't nobody out now.